नमस्ते मित्रों, आज हम बताने जा रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक जन्मभूमि है रायपुर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर आता है जो कि स्मार्ट सिटी है, और बहुत पहले यहाँ पर स्वामी विवेकानंद रहा करते थे। सनातन मान्यता है कि ब्रह्मचार्य आश्रम में उत्तरार्ध के प्रारंभिक वर्षों का वातावरण व्यक्तित्व के विकास की दिशा का निर्णायक आधार होता है, और उसका जीता जागता उदाहरण हमें स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी मिलता है। नरेंद्रनाथ के स्वामी विवेकानंद बनने की पृष्ठभूमि में छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसकी एक झलक यहाँ प्रस्तुत है। सन 1887 में 14 वर्षीय बालक नरेंद्र कलकत्ता के उत्तरी भाग में शिमुलिया में के अपने पैतृक निवास पर उदर रोग से पीड़ित होकर बिस्तर का सेवन कर रहा था। पिता विश्वनाथ दत्त सुप्रसिद्ध अधिवक्ता थे, और उनके एक मित्र राय बहादुर भूतनाथ डे रायपुर में वकालत करते थे। एक महत्वपूर्ण प्रकरण में उन्होंने श्री दत्त को सहभागिता उपयोगी मानकर रायपुर आने हेतु आमंत्रित किया, और दत्त जी रायपुर आ गए। मुकदमे में अधिक समय लगने की संभावना तथा बालक नरेंद्र व परिवार की समुचित व्यवस्था को ध्यान में रखकर वह अपने परिवार को भी रायपुर ले आए। उन दिनों रायपुर शहर रेल मार्ग से जुड़ा नहीं था, इसलिए यात्रा के लिए बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था, और जबलपुर से रायपुर तक की यात्रा 15 दिन लगे। रायपुर शहर के अनुकूल वातावरण में बालक नरेंद्र का अनायास स्वास्थ्य लाभ हुआ, और यहीं से बालक नरेंद्र के स्वामी विवेकानंद बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तथा रायपुर की उनकी आध्यात्मिक जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त हुआ। माता पिता के आचरण सिद्धांत का प्रभाव हुआ, और हिंदी सीखने के साथ आध्यात्मिक चिंतन का क्रम चल पड़ा। माता जी भुवनेश्वरी देवी द्वारा स्वाभिमान की रक्षा हेतु आजीवन पवित्र बने रहने तथा विनम्र रहते हुए आवश्यक होने पर कठोरता का परिचय देने का जो शिक्षा मिली, उसे वे आजीवन अडिग रहे। पिताजी द्वारा आध्यात्मिक धर्म दर्शन इतिहास तथा साहित्य जैसे विषयों पर दिया ज्ञान उनके पूर्व पूर्व अध्ययन की पुष्टि उर्वरा पृष्ठभूमि पर पल्लवित हुआ, और अल्पायु में ही बालक नरेंद्र अपने पिता की मित्र मंडली में इस विषय पर होने वाले विमर्श का महत्वपूर्ण घटक बन गया, जो आगे चलकर संपूर्ण जगत में प्रकाशित हुआ। रायपुर में उनका परिवार लगभग 6 महीने राय बहादुर के कालीबाड़ी के समीप स्थित डे भवन में रहा, फिर बूढ़ा पारा में नगर निगम द्वारा वर्तमान में संचालित कन्या प्राथमिक शाला के पीछे स्थित मणिभूषण सेन के मकान में लगभग 18 महीनों तक वे किराए पर रहे। न्यायालय कार्य पूर्ण होने पर 1879 में उनका परिवार कलकत्ता लौट आया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस ऐतिहासिक तथ्य को चिर स्मृति बनाए रखने के उद्देश्य से बूढ़ा पारा के उस सरोवर को, जिसमें बालक नरेंद्र ने कभी जल क्रीड़ा की थी, विकसित कर स्वामी विवेकानंद की भव्य प्रतिमा स्थापित की है, जिसका आकार विश्व में स्थापित सभी प्रतिमाओं से बड़ा है। इतना ही नहीं, रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन तथा छत्तीसगढ़ राज्य के तकनीकी विश्वविद्यालय सहित अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों को स्वामी विवेकानंद के नाम सहित प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ के सभी निवासी स्वामी विवेकानंद को अपने प्राण का सपूत मानकर गौरवान्वित रहते हैं। तो ये था, जब पहले बार 18 महीना जो रह कर गए स्वामी विवेकानंद, उसका जानकारी। जय श्री राम।